मैंने कुछ नहीं कहा है, जो लोग कह रहे हैं मैंने वही बात को थोड़ा सा स्पष्ट करके कहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि दलों को जोड़ने से पहले दिलों का जोड़ना ज़रूरी है। अगर हम दिलों को नहीं जोड़ पाएंगे तो दलों को जोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो सर माने कि कांग्रेस के साथ ये सब लोग गठबंधन करने को तैयार नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि रीजनल पार्टीज़ की नीयत साफ नहीं है। राज्यों के जितने भी बड़े नेता हैं हमारे, सभी हमारे बहुत ही प्रेमी हैं और सभी बहुत अच्छे बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो पहला उद्देश्य है वो मोदी को हटाना नहीं है, कांग्रेस को हटाना है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब छोटे दल भी कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त प्रदेश बना रहे हैं। अब बताइए, समाजवादी पार्टी कहेगी साहब यूपी छोड़ दो, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बोल ही दिया दिल्ली पंजाब छोड़ दो, केसीआर कहेंगे तेलंगाना छोड़ दो, स्टालिन कहेंगे तमिलनाडु छोड़ दो, तो कांग्रेस कहाँ जाए, कहाँ जाएगी? मुझे बताओ, ये विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नया स्वरूप है? ये कोई नया फॉर्मूला है क्या? बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन पाया। तो जो काम बीजेपी ने करना चाहा और बीजेपी नहीं कर पाई, अब वो हमारे मित्र करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि दलों को जोड़ने से पहले हमें दिलों को जोड़ना चाहिए। तो सर किस बात का गठबंधन दिख रहा है आप लोगों को कि जब ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं तो सर मन में कहीं ना कहीं खटास तो आती नहीं, है? हम तो चाहते हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां एक जगह आएं और सब मिलकर के नरेंद्र मोदी जी की इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ें, लेकिन हो कहाँ रहा, दिख तो नहीं रहा है। मंच पे आते हैं तो हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के हाथ खड़े करके कहते हैं हम साथ हैं, हम साथ साथ हैं, और जब हम ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं तो कहते हैं साहब हमें कांग्रेस ख़त्म करनी है, कोई कहता हमें आम आदमी पार्टी ख़त्म करनी है, कोई कहता हमें समाजवादी पार्टी ख़त्म करनी है, एक दूसरे के ऊपर। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता दीदी जो हैं वो बीजेपी की भी टीम है, ममता दीदी कहती हैं अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के दलाल हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? ये तो मुझे लगता है रायता बिखरा हुआ सा लगता है। देखिए, देश की एकता के लिए और देश में एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक कानून लाने के लिए, अगर साफ दिल से देश के हित में कोई कानून लाने की बात होती है तो उस पर सोचना पड़ेगा, उस पर हम सोचेंगे, उसका हम स्वागत भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो देश की एकता और देश में समरसता लाने के लिए नहीं उठाया जा रहा, ये तीसरी बार सत्ता पाने के लिए उठाया जा रहा है। सर बीजेपी हिंदू मुस्लिम का नारा लगा रही है और कई जगह दंगे फसाद भी हो रहे हैं, मणिपुर की बात करें और अदर स्टेट की बात करें तो क्या लगता है कि 24 में? बीजेपी मुसलमानों को हिंदुस्तानी नहीं मानती, मुसलमानों को गाली देना बीजेपी के नेताओं का फैशन बन गया है, इसलिए ये सब चीज़ें उठाई जा रही हैं। सब कुछ राजनीतिक दल भी इसके खिलाफ आ रहे हैं, उनको हमसे रिपोर्ट करिए। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी मसौदा तैयार नहीं है, अभी प्रारूप तो तैयार है नहीं है, तो मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का हवा दिखा करके बीजेपी फिर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी ये चाहती है कि सारा विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में खड़ा हो जाए और ये देश की जनता को कहेंगे कि देखो साहब, हम तो देश को एक करना चाहते थे, ये देशद्रोही लोग हैं। बीजेपी बहुत चालू पार्टी है, इसके चक्रव्यूह को समझना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब क्या करें, देश इनके चक्रव्यूह में फंस गया। जनता क्या इस बार इनको कुछ याद दिलाएगी? क्योंकि पिछली बार मुस्लिम वोटर्स को भी लुभाने के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें लाई थी जिसमें काफ़ी बवाल भी हुआ था। देखिए, ये मदारी की तरह डुगडुगी बजाते हैं, मदारी की तरह डुगडुगी बजाते हैं और देश की जनता को बंदर समझते हैं। अब 2024 में देश की जनता को फैसला करना है कि वो बंदर है या जागरूक मतदाता है जो इस देश का भविष्य तय करेगा, ये फैसला जनता को करना है और जनता जनार्दन होती है। सर आपने ट्वीट किया जिसमें कहा है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, अखिलेश ने कहा है उत्तर प्रदेश छोड़ दो, ममता बनर्जी कहती है बंगाल छोड़ दो, इससे क्या समझाना चाहते हैं सर आप?